गाइस, आज हम लोगों का ये लास्ट डे है इस ट्रिप का। और आज का जो डे है आइटनरी में हम लोगों ने बिरती वाटरफॉल विजिट करने के लिए रखा हुआ है। तो अभी हम लोग कुछ ही देर में यहाँ से, यानी कि ये जो कैंप साइट है केएमबीएन की, वहाँ से ब्लांती बैंड जाएंगे और ब्लांती बैंड से टैक्सी से हम लोग बिरती वाटरफॉल तक के लिए जाएंगे। और आज का जो हम लोगों का प्लान है स्टे करने का नाइट में, तो वो बिरती वाटरफॉल के पास में ही है। और अभी डिसाइडेड नहीं है क्योंकि पता नहीं वहाँ पर रूम्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि वहाँ पर स्टे हो जाता है। एक्चुअली आज प्रॉब्लम एक ये हुई है, रात में काफ़ी तेज़ बारिश हुई और उस बारिश की वजह से हम लोगों के टेंट में जो फ्लोर है, तो सुबह जब मॉर्निंग में हम लोग उठे तो पता चला टेंट नीचे से बहुत ज़्यादा भीग रखा है। तो हम लोगों को बहुत ही जल्दी टेंट को डिसेंबल करना पड़ा और फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब फिर से बारिश तेज़ हो गई और हम लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे कितनी जल्दी नीचे पहुँचें, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में टैक्सीज अवेलेबल होते हैं, शेयर टैक्सीज, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और नहीं भी मिलती हैं। फिर आपको वही है कि जो काम आपका कम रुपये में बनता है फिर आपको हाई पे करना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं और बीच में स्टे बहुत कम होने वाला है। लेट्स सी। ब्लांती बैंड से हम लोगों को फिर से मुंशियारी मार्केट जाना पड़ गया क्योंकि वहीं से शेयर टैक्सी फुल होकर चला करती हैं। हम लोग अराउंड 2 बजे हम लोग नीचे पहुंचे थे ब्लांती बैंड पे और लेट हो गए थे, तो उस टाइम में बस मिलने का चांस बहुत ही कम था। खैर, हम लोगों को मार्केट से हम लोगों को टैक्सी मिल गई और 32 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में हम लोगों को 2.5 आवर्स लग गए और ऑलरेडी जो लेट थे हम लोग और लेट हो गए। तो अभी हम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है और सनसेट फिर उसके बाद हो जाएगा। फ़िलहाल मैं अभी आपको यहाँ जो केएमबीएन गेस्ट हाउस में हम लोगों ने स्टे किया हुआ, वहाँ से बाहर से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, तो वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। ये छोटा दिख रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस भी यहाँ से बहुत है और दूसरा जिस लेंस पर मैं शूट कर रहा हूँ उसमें ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज़ बहुत ही बड़ा फॉल है। 20 मिनट्स हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने में लगेंगे, तो उसके बाद हम लोग फिर एंजॉय करने वाले हैं।
कल इवनिंग में जब हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ इस जायंट वाटरफॉल पर ही था, बट आज मॉर्निंग में जब हम लोग उठकर बाहर निकल कर देखा तो इस वाटरफॉल के एडजेसेंट तीन वाटरफॉल और दिखे, और उन तीन वाटरफॉल को जब हम लोगों ने देखा तो एक और वाटरफॉल दिखा, और ऐसे करते करते हम लोगों ने एटलीस्ट 10 वाटरफॉल काउंट किए जो यहाँ की ब्यूटी को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई करते हैं। वेल, जहाँ से हम लोग ये नज़ारे देख रहे हैं वो है KMVH का होटल, जो हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। यहाँ रूम्स की फैसिलिटी के साथ साथ डॉर्मेट्री फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 900 रुपीज़ डबल बेडरूम का चार्ज है और 200 रुपी डॉर्मेट्री में सिंगल बेड का चार्ज है। यहाँ का एक और प्लस पॉइंट ये है कि कॉर्नर का होटल है तो अनहिंडर्ड व्यू का आप मज़ा ले सकते हैं। फ़िलहाल तो अब हम लोग यहाँ से वापस थल के लिए जाएंगे और थल से फिर बस से वापस दिल्ली। इन एनीवेज आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लाइक किया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू वेरी मच।